परफेक्ट। सो हाय आयुष, हाउ यू डूइंग? Hey, hey, we are good. Normal, how are you? फाइनली आर गिग टुगेदर आफ्टर द नाइट सेशंस। Yeah. ओके, सो टू ब्रीफ ऑल ऑफ यू, द एजेंडा फॉर मीटिंग अप टुडे इज इफेक्टिवली टू हेल्प यू आउट इन केस ऑफ एनी नेक्स्ट स्टेप चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग। वी आर गोइंग टू डू अ सीरीज ऑफ सेशंस लाइक दिस, primarily aimed at helping out in case of next steps, if you are facing any challenges there, if you are facing any issues in terms of let's say selection between colleges, paying the college fee, getting student loan, anything at all. If there is something which is bothering you, happy to hear that and to effectively deal with it in this session today. And with me, I will have Ayush also. And we'll both try and answer your questions, your queries to the best possibilities. So, anybody and everybody, welcome all of you. First of all, congratulations. Many of you have already converted some of the good ones. And there are a lot of calls, obviously, which we are waiting for. But more or less, I think हम एक सही डायरेक्शन में एक सही आउटकम की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, which is a very, very good thing. So first of all, congratulations for that and welcome all of you to this session. ये वाले session के अंदर अगर आप बैठे हैं तो आपने जरूर कुछ अच्छा ही किया होगा, तो next steps के बारे में तो वही सोच रहा होता है। ठीक है, चलो, बहुत ही बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं। इस वाले session में हम 7 square से शुरू करके 11 square तक जा सकते हैं। ये उस टाइप का सेशन है, जनरली हम 11 square से 7 square तक आ जाते हैं। ठीक है, ओके, सो ओवर टू यू। आई हैव आई विल ओपन द हाउस फॉर एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव। प्लीज गो अहेड, रेज योर हैंड्स, अनम्यूट योरसेल्फ, यू नो द ड्रिल ऑलरेडी, सो प्लीज गो अहेड। एंड देर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट आई हैव आल्सो रिसीव्ड, आई विल ट्राई एंड आंसर दैट टुवर्ड्स द एंड। या एनीबॉडी, हम लोग अगर ऐसी बैठ के एक दूसरे को देखने वाले हैं तो आई डोंट नो हाउ यूजफुल दिस सेशन इज गोइंग टू बी। ठीक है, इधर वैभव कोलकाता की सड़कों पे टहल रहा है। ओके, खूब भालो, खूब भालो, ऑलराइट। ओके, तो सब लोग एब्सोल्युटली क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। तनिष गो है, तनिष ने बोला कि मेरे को भी लीड लेना पड़ेगा, ये सब ना बी स्कूल जाने के बाद भी नहीं सुधरेंगे। तनिष प्लीज गो है। यस सर, सर समर इंटर्नशिप के लिए व्हाट शुड वी डू फॉर आर रेज्यूमेस बेसिकली, ओके, बिकॉज कॉलेज जाते ही फ्रीज कर देंगे रेज्यूमे तो. तो अभी बेसिकली यू आर थिंकिंग अबाउट समर इंटर्नशिप। समर इंटर्नशिप के लिए व्हाट आई विल टेल यू इज कि जो सेशन हमने करे वो सेशन एक बार फिर से रिवाइज करें, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, समर इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सीवी बिल्डिंग, मतलब सीवी बनाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो सीवी, एक रफ सीवी में बेसिकली तुम्हें करना क्या है कि एक एक्सेल शीट क्रिएट करो। ठीक है, एक्सेल शीट को डिवाइड कर दो इनटू अ लॉट ऑफ फील्ड्स, फॉर एग्जांपल एकेडमिक्स, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करेक्ट। और उसके अंदर सारे के सारे पॉइंटर्स डालना शुरू करो। ठीक है, स्टार्ट पुटिंग इन ऑल द पॉइंटर्स। अभी के लिए बस इतना ही कर लो। अगर तुमने इसको भी एग्जॉस्टिवली कर लिया तो तुम्हारा सीवी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। फिर जब तुम कॉलेज में जाओगे तो ऑल यू हैव टू डू इज, ये जो मास्टर तुम्हारा सीवी है, जिसको हम लोग मास्टर एक्सेल सीवी भी बोलते थे, तो जो मास्टर सीवी है वो मास्टर सीवी के अंदर से तुमको बस पॉइंट्स उठा के अपने सीवी में डाल, दैट्स इट, और तुम्हारा सीवी तैयार है। तो मास्टर सीवी बनाने में बहुत टाइम लगता है, करेक्ट। वो मास्टर सीवी में बिकॉज बहुत सारे पॉइंटर्स अपने को याद ही नहीं होते क्या क्या हमने लाइफ में किया है। तो सबसे पहले काम करो कि पहले मास्टर सीवी बनो, और मास्टर सीवी बनाने के साथ साथ में जो भी पॉइंटर्स वहां पे लिख रहे हो साथ साथ भेज भी दो अप्रूवल के लिए, कि वो पॉइंटर्स तुम्हारे जहाँ से भी लिंक्ड है, कॉलेज से लिंक्ड है, या तुम्हारा लेट्स से कॉर्पोरेट से लिंक्ड है, तो पॉइंटर्स बना के उनको भेज दो कि काइंडली अप्रूव दीज पॉइंट्स। वो अप्रूव करके अपने पास रखें। फाइनल सीवी बनाने के बारे में भी मत सोचो अभी, बस ये अपना मास्टर सीवी बना। मास्टर सीवी से बस उठा के पॉइंट्स ही डालना रहेगा तुम्हें, फाइनल सीवी तुम्हारा विद इन 1 वीक बन जाएगा इफ द मास्टर सीवी इज रेडी। मास्टर सीवी बनाने में ही ऑलमोस्ट 2 2.5 हफ्ते लग जाते हैं। आयुष, देयर इज एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू ऐड टू दिस?
फर्स्ट ऑफ गुड क्वेश्चन यार. आई मीन तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है समर इंटर्नशिप प्रोसेस, जो कि बिल्कुल 2 महीने में यू हैव टू प्रिपेयर. एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, जैसे बहुत लोग ह्यूमैनिटीज से आ रहे हैं, साइंसेस से आ रहे हैं, जिनको फिन में जाना है, उनके पास टाइम काफी कम होता है टू प्रिपेयर. एंड उसके साथ साथ व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर रेज्यूमे, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. तो राइटली सेड कि तुम्हें पहले मास्टर रेज्यूमे बनाना पड़ेगा. एंड जो तुम्हारा फाइनल रेज्यूमे या सीवी जो होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ योर मास्टर रेज्यूमे. ठीक है, स्टार्ट गेटिंग इन टच विथ ऑल योर एक्स मैनेजर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्कूल. ठीक है ना, अभी तुम्हें पॉइंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे, अप्रूव कराने पड़ेंगे. तो पहले पॉइंट्स फ्रेम करो राइट फ्रॉम, मतलब जब से बचपन से शुरू किया है, पहले के टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोस्पेक्ट क्या किया है, कौन से कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किए हैं. देर इज अ वे वी राइट अ रेज्यूमे, एंड वो राइटिंग का तुम्हें और आइडिया मिल जाएगा वंस यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद योर सीनियर्स ऑल्सो. एक तुम्हारा मेंटर अलॉट हो जाएगा जो कि स्पेसिफिकली तुम्हारा रेज्यूमे रिव्यू करेगा. एंड मल्टीपल राउंड ऑफ आइटरेशन होते हैं. ठीक है, तो पहले पॉइंट्स कोलेट करो, इकट्ठा करो, फिर उसको फिर उसको हमें क्वांटिफाई करना पड़ता है. देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. सेकेंडली तुमने कहा था कि हाउ टू, एक प्रोफाइल बिल्डिंग पे भी बात आई थी. राइट, तो मेरा जब रेज्यूमे पहला ड्राफ्ट बना था वो आधा पन्ने का, तो और हमारा जो स्पेशली जो बी स्कूल का रेज्यूमेस होता है वो बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड होता है. मेरे मुझे याद है मेरे रेज्यूमे 3 लाइन्स थे टोटल, तो उसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है. तो तुम्हारा मीन वाइल ऑन द प्रोसेस, जो तुम्हारा प्रोसेस चल रहा है रेज्यूमे के अलावा, उसके साथ साथ तुम्हारा बहुत सारा क्लब कमिटी और ये सब का ना इंडक्शन प्रोसेस चल रहा है. तो ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ दीज प्रोसेसेस और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो. तो वो क्लब के पॉइंट, वो कमिटी के पॉइंट तुम्हें रेज्यूमे पॉइंट्स आ देंगे, और वो बहुत अच्छे रेज्यूमे पॉइंट्स बने जाते हैं. तो अगर एक दो तुम्हें POR मिल गया, 2-3 POR है तुम्हारे रेज्यूमे पहले से स्कूल कॉलेज अंडर ग्रेजुएशन का, तो मार्केटिंग के रोल्स बहुत अच्छे से तुम्हें ऑफर हो सकते हैं. ठीक है, तो आई मीन ये रोल स्पेसिफिक और बॉटम हैवी टॉप हैवी रेज्यूमे हम लोग कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे. उसे टॉप हैवी उसे बोलते हैं जो एकेडमिक्स के, जिसके पास ज्यादा अचीवमेंट्स लिखे होते हैं. तो बेसिकली फाइनेंस और कंसल्टिंग रोल में टॉप हैवी रेज्यूमे चलता है, जहाँ पे आपके एकेडमिक्स पे ज्यादा वेटेज होता है, आपके स्कॉलरशिप्स, NTSC एंड जो टॉपर्स वगैरह स्टेट नेशनल वो सब चलता है. मार्केटिंग में क्या होता है कि यूजुअली बॉटम हैवी देखा जाता है कि आपने कितने PORs लिए हैं, आप कितने एक्टिव रहे हो अपने स्कूल के लाइफ में, अपने कॉलेज के लाइफ में. सो देर आर वेरियस वेरियंट जो तुम्हें बनाने पड़ेंगे. एक जनमैन का अलग वेरियंट होता है, कंसल्टिंग का अलग वेरियंट होता है, मार्केटिंग का अलग वेरियंट होता है. तो वो तभी बन पाएगा जब तुम्हारा मास्टर रेज्यूमे रेडी रहेगा. हमारा आई एम इंदौर में एक्सरसाइज होता है, हमें 7 पेजर हम लोग बोलते हैं, 7 पेजर. जैसे भैया ने बोला था ना कि तुम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बना रहे, तो हमारा डिफरेंट सेक्शन वॉज डेडिकेटेड, एक एक पेज दिया गया था सबको. तो हम लोगों ने सबसे पहला ड्राफ्ट जो बनाया था दैट वाज द 7 पेज रेज्यूमे, और उसमें हमें कुछ नहीं पता था कैसे लिखना है. वी जस्ट रोट जो हमने किया है इन वॉट एवर लैंग्वेज पॉसिबल. फिर वो बाद में खुद ही 1 महीने में तुम देखना, जब पहला ड्राफ्ट देखोगे और जो फाइनल ड्राफ्ट तुम्हारा फ्रीज होगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क रहेगा, तुम्हें खुद भी नहीं लगेगा कि तुमने वो रेज्यूमे बनाया. हाँ, आई थिंक दैट वाज मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया था। जब मैंने अपना फाइनल रिज्यूमे देखा, मेरे को यकीन नहीं हुआ कि मैंने ये सब कर दिया है जो मैंने उसमें लिखा। मतलब बहुत ही डिफिकल्ट था ये रियलाइज करना कि ऐसा कमाल कैसे कर दिया मैंने। बट दी द थॉट प्रोसेस इज दैट, या सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज कि मास्टर सीवी बनाओ। हम लोगों ने एक रिज्यूमे वाला सेशन वीडियो भी शेयर किया हुआ है, तो वो एक बार देख लेना, ठीक है? दैट विल टेल यू कि क्या लैंग्वेज यूज करना होता है व्हेन यू राइट सेंटेंसेस, ठीक है? सो डू दैट एंड देन क्रिएट तुम्हारा एकदम एग्जॉस्टिव एक्सटेंसिव एक मास्टर बना लो। उसके बाद बहुत आसान है, मतलब वहां से तुम्हें जस्ट रेलिवेंट एलिमेंट्स उठाने हैं, वहां से ही तुम मार्केटिंग बना सकते हो, जेनमैन बना सकते हो, फाइनेंस बना सकते हो। एवरीथिंग कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम दैट मास्टर। तो पहले तो मास्टर बनाओ, अच्छे से टाइम लगा के, ठीक है? तानिश, आई एम होपिंग दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस सर. परफेक्ट। या अजमल, गो अहेड। सर वो लाइव प्रोजेक्ट क्या होता है और क्या डिफरेंस है लाइव प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप में? लाइफ प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में क्या डिफरेंस होता है? देखो, इंटर्नशिप में और लाइफ प्रोजेक्ट में डिफरेंस ये होता है कि लाइफ प्रोजेक्ट जनरली तुम्हारे चलते रहते हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ रनिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जिसका तुम हिस्सा बन जाते हो, ठीक है? वो लाइफ प्रोजेक्ट हो जाता है। प्राइमरली इंटर्नशिप जैसा ही है, मतलब द काइंड ऑफ
वेटेज दैट यू गेट फ्रॉम अ कॉर्पोरेट स्टैंड पॉइंट इज लाइक इंटर्नशिप, बट द लर्निंग में भी वेरी डिफरेंट। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें इंटर्नशिप में ज्यादा लर्निंग मिल जाए, या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें लाइव प्रोजेक्ट में ज्यादा लर्निंग मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि काम क्या है। लाइव प्रोजेक्ट जनरली तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक तुम्हारे किसी एक स्टेज में चल रहे होते हैं। हो सकता है कोई इनिशियल स्टेज में ना हो प्रोजेक्ट, लेट्स से वो प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज, तुमने उस प्रोजेक्ट को फाइनल स्टेज में ज्वाइन किया और उसके ऊपर काम किया। ठीक है, सो यू माइट एज वेल नॉट हैव इनाफ यू नो अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, करेक्ट? ऐसा हो सकता है। तो सो आई थिंक सिनेरियो बहुत वाइड ओपन रहता है। आपको इंटर्नशिप वर्सेस लाइव प्रोजेक्ट ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए फ्रॉम अ लर्निंग स्टैंड, बिकॉज आपको दोनों में ही वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, राइट? यू डोंट गेट वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर अ लाइव प्रोजेक्ट, बट यू शुड सी कि क्या मेरा लर्निंग बूस्ट होगा कि नहीं, विल इट हेल्प मी और नॉट। ठीक है, सीवी पॉइंटर्स तुम्हें दोनों में मिल जाते, बट तुम्हारा इम्पैक्टफुल अगर तुमने काम किया है, करेक्ट, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ तुम काम कर रहे हो, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पैक्टफुल आपने काम किया, करेक्ट? मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ जिसके लिए जो मैंने किया वो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं, उसने मेरे जो मैं मेरे को काम दिया उसने वही काम और चार लोगों को दे दिया, इफेक्टिवली माई वर्क इज रिडंडेंट। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ वो काम मेरी गलती हो गई तो उसने दूसरे वाले का काम एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि तो चार लोग सेम ही काम कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में मतलब माई इम्पैक्ट विल रिड्यूस, करेक्ट? सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच शुड सी, टू सी द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। इंटर्नशिप भी जब आप कर रहे हैं तो अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट आर यू गोइंग टू डू। ठीक है, वो इंटर्नशिप के अंदर बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी ने इंटर्नशिप दिया बिकॉज यू आर हैविंग सम पोटेंशियल, पर उसके बाद कोई क्लियर डेफिनेशन ही नहीं है कि टाइम क्या है, क्या काम करना है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके काम का, क्या लर्निंग है आपके काम में, वो सारी चीजें बहुत क्लियर करके फिर ही उसको चूज करना। दैट इज वेन इट इज ट्रूली गोइंग टू बी हेल्पफुल फ्रॉम सीवी स्टैंड पॉइंट ऑल्सो एंड लर्निंग स्टैंड पॉइंट। ठीक है, एंड सर वो जैसे कि इंटर्नशिप हम लोग समर वेकेशन में करते हैं, राइट? तो लाइव प्रोजेक्ट किस वक्त करते हैं, लाइव प्रोजेक्ट कभी भी कर सकते हो, मतलब साथ में करिकुलम के साथ? करिकुलम के साथ भी कर सकते हो लाइव प्रोजेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, कॉर्पोरेट्स तो 365 दिन काम करते हैं, है ना? आज कॉर्पोरेट का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, 31 मार्च, है ना? वो करेक्ट, ये सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल है तो जिनके चेहरे देखो थोड़े से रिलैक्स लग रहे हैं। कम से कम लाइफ में 2 दिन तो आराम कर लिया मैंने लाइफ के अंदर। ठीक है, इनका फिर से कल से मारा मारी शुरू हो जाएगा, फिर से KRA भरो, ठीक है, सारा सारा। अब इनका नहीं होगा, अभी इसीलिए ज्यादा खुश लग रहे हैं ये लोग, ठीक है ना? ये चेहरे पे के जो ग्लू आ रहा है इनको इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस साल इनको KRA नहीं भरना पड़ेगा। सो इफेक्टिवली द थॉट प्रोसेस इज की लाइव प्रोजेक्ट तुम कभी भी कर सकते, ठीक है? अभी तो यार, अभी तो हाइब्रिड का जमाना है, यू डोंट नीड टू बी एट अ स्पॉट टू बी यू नो डूइंग समथिंग, करेक्ट? सो यू कैन डू एनी थिंग फ्रॉम एनी वेयर। लाइव प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इंटर्नशिप हम सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में नहीं करते हैं, उसको हॉलीडे होमवर्क बोला जाता है, हम गर्मी की छुट्टियों में करते हैं, ठीक है? बाकी इंटर्नशिप लाइव प्रोजेक्ट तुम कभी भी कर सकते हो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। या आयुष, सो इसमें एक चीज जो बात आती है, द लेवल ऑफ सीरियसनेस फ्रॉम द कैंडिडेट्स। अभी क्या होता है कि लाइव प्रोजेक्ट्स अभी द मोमेंट यू जाएंगे 20 स्कूल, तो वो बिल्कुल ऐसे फॉर्म्स लोड होने लग जाएंगे लाइव प्रोजेक्ट्स, और वो एक टाइम पे इतना ज्यादा हो जाएगा कि तुम लोग खुद ही अप्लाई करना बंद कर दोगे। सेकेंडली क्या होता है कि फिर बच्चे भी थोड़ा लाइट ले रहे थे लाइव प्रोजेक्ट्स को, उसको इतना सिंसियरली लेते नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज हमेशा नहीं आती है कैंपस फॉर लाइव प्रोजेक्ट, बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं लाइव प्रोजेक्ट्स का। और मतलब मुझे भी अपने एक्सपीरियंस से याद है, तो वो ऐसा काम करवाते हैं कि सोशल मीडिया का हैंडल उसका संभालो, फॉलोअर्स बढ़ा दो, एक दो बाटा को लैप करा दो, ये सारी चीजें करवाते हैं। तो उसमें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर यू सीक दैट काइंड ऑफ लर्निंग और नॉट, ठीक है? उसमें ऑब्वियसली तुम्हारे कनेक्शंस बनेंगे, बट क्या तुम उस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, दैट इज अप टू यू। सेकेंडली इंटर्नशिप में लोग ज्यादा सीरियसनेस दिखाते हैं, जो बेसिकली हम समर इंटर्नशिप होता है, जो कि एक जो तुम्हारे रेज्यूमे में भी वो जाएगा, कॉलेज से जिसका एक मिलता तो मेरे
हाँ, जो कॉलेज से मिलता है और जो जिसका तुम रिपोर्ट भी जमा करोगे कॉलेज पे, ठीक है, और वो एक मैंडेटरी होता है, ठीक है ना। उसमें सीरियसनेस ज्यादा दिखाते हैं बच्चे, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें पीपीओ मिलने के चांसेस होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली होता है कि तुम्हें पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, तो उस स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो लोग इंटर्नशिप को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। बट मेरे ख्याल से मतलब एक आध लाइफ प्रोजेक्ट तो करके उसका एक एक्सपीरियंस देके जरूर देखना कि कैसा होता है वो, बाद में पता चलेगा कि वो कितना किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का काम है, दैट इज अ सेकंड थिंग। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली अग्री। आई थिंक आयुष ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि लाइफ प्रोजेक्ट ना हम सब लोग पीयर प्रेशर में, फोमो में लाइफ प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक्चुअली बहुत कम लोग हैं जो अच्छे से करते हैं। तो मतलब यू डोंट, जनरली हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी है। अगर मैं स्टार्टअप के साथ भी कर रहा हूँ तो वॉट आई शुड फोकस इज कि मेरा इम्पैक्ट क्या है, कि मैंने कुछ बड़ा किया उसके अंदर, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट किया, और मेरी एक अच्छी लर्निंग, उसको फोकस करना चाहिए। तो जनरली लाइफ प्रोजेक्ट देने के लिए आयुष ने जैसे बोला कि बड़ी कंपनी नहीं आएगी, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं आती है लाइफ प्रोजेक्ट देने के लिए, ठीक है। तो इंटर्नशिप्स, इंटर्नशिप्स तो आपको कॉलेज से मिलेंगे, समर इंटर्नशिप प्रोसेस। उसके अलावा जो भी इंटर्नशिप या लाइफ प्रोजेक्ट आप करो, चाहे तो कम करो, लेकिन बहुत सीरियसनेस के साथ करना, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो सीरियसली करेंगे। वो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, मतलब एंथू एंथू में स्टार्ट करेंगे कि सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो मैं भी करूंगा। उसके बाद फिर उनका ये हो जाएगा कि अरे नहीं, ये तो मेरे लेवल का काम नहीं है, ठीक है, मैं तो महाराजा धीराज पैदा हुआ था, ठीक है, तो वो सारी चीजें फिर शुरू हो जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ही हम्बल रह के आपको अपना प्रोजेक्ट करना चाहिए, लाइफ प्रोजेक्ट। आपको ये देखना चाहिए कि मैं इसके अंदर कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, हाउ कैन आई क्रिएट एन इम्पैक्ट, मेक एन इम्पैक्ट, ठीक है। बहुत सारे लोग बोले कि अरे नहीं यार, ये तो मेरे लेवल का काम नहीं। क्या होता है लेवल का? वही काम आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर देगा तो आपको करना पड़ेगा। ले बोले कि ये लो, ये पकड़ो, ये नया प्रोडक्ट है, जाओ सैम्पलिंग करके आओ। तो आप जाओगे मार्केट में खड़े होकर, सर ले लीजिए, सर ये नया सैंपल आया, सर ले लीजिए, सर नहीं ये नया सैंपल आया, ये सर नया सैंपल आया, सर ट्राई करके देखिए ना सर। वही करोगे आप उसके अंदर इफेक्टिवली। तो बड़ा काम छोटा काम नहीं, यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या, हाउ कैन आई क्रिएट एन इम्पैक्ट, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो इवेंचुअली आपके लिए आगे बढ़ना आसान है, ठीक है। जो लोग थोड़ा सा काम से भागते हैं कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है, छोटा काम, उन लोगों के लिए जनरली आगे बढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है इन अ कॉर्पोरेट सेटअप, कहीं भी आपको। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गेटिंग योर हैंड्स डर्टी, गेटिंग डाउन टू द लास्ट माइल एंड सीइंग कि कस्टमर इंटरेक्शंस कैसे हो रहे हैं, कैसे काम चलता है, कैसे बिजनेस चल रहा है, वो सब समझना इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अच्छे से करना, रादर देन थिंकिंग कि मैं ये लेवल के काम के लिए नहीं बना हूँ, मैं सीधा सीईओ बनने के लिए पैदा हुआ हूँ और एमबीए इसीलिए कर रहा हूँ कि सीधा सीईओ बनूंगा, इसके बाद बीच में कोई रास्ता नहीं। ऐसा नहीं होता है, चेंज दैट मेंटेलिटी फर्स्ट। एमबीए करने के बाद भी आपको घिसना पड़ेगा, स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपकी ट्रेजेक्ट्री बाकी लोगों से फास्ट होगी, पर ऐसा नहीं कि आप वो चीज़ें नहीं करोगे जो बाकी लोग कर रहे, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। भले ही हो सकता है वो 6 महीने के लिए करना पड़े, बट दैट मेंटेलिटी शुड बी देयर। वो मेंटेलिटी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है लोगों कि हम तो मैनेजर बनने आए हैं, ठीक है, तो वो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। या आयुष, मेजर आई थिंक मेजर लर्निंग भी जो होती है, स्पेशली व्हेन यू गो फॉर अ मार्केटिंग और अ जनरल रोल, वो बॉटम ऑफ द पिरामिड से ही आती है। सो अगर किसी का अगर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कोई एफएमसीजी या फिर ऑटोमोबाइल में हो गया, मार्केटिंग में हो गया, तो उसमें ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जहाँ पे आपको बहुत छोटे शहर में जाना पड़ेगा। वहां पे आपकी कंपनी का जो फील्ड ऑफिसर होगा या सेल्स ऑफिसर होगा, उसके बाइक पे बैठना पड़ेगा, उसके साथ डीलर टू डीलर जाना पड़ेगा, रिटेलर्स के पास जाना पड़ेगा, कस्टमर से बात करना पड़ेगा। तो ऐसे भी दिन देखने पड़ते हैं लोगों को। और इवन इफ यू ज्वाइन दैट कंपनी, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया, लाइक एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंपनी, आपको शुरुआत वहीं से करना पड़ेगा। तो अनलेस एंड अंटिल आपको सबसे बॉटम ऑफ द पिरामिड का काम समझ में नहीं आएगा, सेल्स ऑफिसर कैसे मार्जिन कमाता है, कैसे उसको इंसेंटिव मिलता है, तब तक आप मार्केटिंग में नहीं जा सकते। तो जो एबीसीडी है ना, स्टार्ट वहीं से होता है। सो लाइक वही सेट कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होगा। देखो, बी स्कूल में 2 साल तुम लोग अपने आप को बहुत शेर समझने वाले हो, ठीक है, मतलब ये मान लो कि मतलब तुमसे ऊपर कोई है ही नहीं, बट रियलिटी तब पता चलेगी जब तुम एसआईबी करने निकलोगे, जब तुम्हारे जैसे सारे लोग होंगे उस कंपनी में, जॉब में आओगे, तब तुम कोई आईआईएम या आईआईटी या फिर यू नो कोई एफएमएस एक्सलर आएगा नहीं होगा। तो
वो डिफरेंस होगा, तो नहीं करेक्ट टैग बस 2 साल रहेगा। एब्सोल्युट। तो आई थिंक अपना एजुकेशन बहुत हाई लेवल होना चाहिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हाई लेवल होने चाहिए, पर थॉट प्रोसेस हमेशा ग्राउंडेड होना चाहिए। ठीक है कि अगर मेरे को फॉर एग्जांपल लेट्स से आप स्टोर चला रहे हो, मैंने ये भी दिन देखा है, आई वाज यू नो व्हेन आई वेंट इनटू माय इंटर्नशिप आई वाज इन यू नो फॉर एग्जांपल इन फुल टाइम रोल। फुल टाइम रोल में भी इनिशियल आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, करेक्ट? तो फुल टाइम रोल में जब मैं गया तो मैं प्रोबेशन पीरियड में था, वहाँ पे देर वॉज अ स्टोर दैट आई वॉज हैंडलिंग एज अ मैनेजर। और एक दिन ऐसा हुआ कि स्टोर पे कोई नहीं आया, मतलब स्टोर में मेरे अलावा और 3 लोग थे, कोई नहीं आया, 3 के 3 वो बंक मार गए। अब आप क्या करोगे, कस्टमर तो आने वाले। तो स्टोर को खुद ही मैंने साफ किया, मतलब आई क्लीन्ड दैट स्टोर कम्प्लीटली खुद। अब वो चीज़ अगर आप नहीं कर सकते कि मैं तो एमबीए हूँ, टॉप बिजनेस ग्रेजुएट हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता, नहीं कर सकते तो आप नहीं बन सकते। मतलब आप उस लेवल के लिए आप तभी बने हैं जब आपकी मेंटालिटी उस लेवल पे ग्राउंडेड है, तो आप कर पाएंगे। तो वो चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है कि ये सब चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको साफ कर देता हूँ, बस मैं ये सोच रहा था कि कोई देखे ना, ठीक है? तो आई थिंक दैट्स समथिंग विच यू नो प्लेज इन योर माइंड, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू टू अंडरस्टैंड इट फ्रेंड, ठीक है? बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि अब ये सब क्यों बता रहे हो, पहले बता रहे जी क्या नहीं आते नहीं करते हम भी, ठीक है? एनी वेज ओके या आयुष P24593 गो अहेड। अरे सर, ये ग्रेट लेक्स के AWT के लिए डाला था। सर आई हैड सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट क्वेश्चन। लाइक मेरा बी स्कूल से रिलेटेड है। लाइक एज ऑफ नाउ आई हैव ऑफर्स फ्रॉम ओनली IIT गाजियाबाद एंड ग्रेट लेक्स का, लाइक PGPM 1 ईयर वाला। सो लाइक व्हाट शैल आई डू, मैं इन दोनों में फिलहाल चूज करूँ? लाइक IIT को आई हैव बुक, बट इसका मेरे को समझ नहीं आ रहा व्हाट शैल आईएमटी आई के डू। अलावा और क्या है तुम्हारे पास? ये ग्रेट लेक्स का PGPM 1 ईयर, हाँ 1 ईयर है, ओके। हाँ, तो चेन्नई। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आईएमटी में तेरे पास कौन सा प्रोग्राम है? सो मार्केटिंग, हाँ तो आईएमटी चलेगा, और इतना इतना सोचना क्या है? चेन्नई से कोई खास लगाव? नहीं, खास नहीं, बट वही ये लोग मतलब मिक्स ओपिनियंस मिल रहे थे मेरे को, तो मैं मिक्स सोचा आपसे ओपिनियन पूछ। भाई, मैंने दिया मिक्स ओपिनियन, मैंने सीधा नहीं दिया नहीं 1 वर्ड आंसर। राइट तो मेरे को पहले पूछ रहे तो 1 वर्ड आंसर पहले दे देता मैं तेरे को। मिक्स्ड ओपिनियन नहीं होता है मेरे केस में, बहुत स्ट्रेट आंसर्स होते हैं। एंड यू नो वन थिंग व्हिच आई विल टेल यू इज कि प्रोज एंड कॉन्स हर जगह का होता है, ठीक है? बट आई एम गिविंग यू दिस आंसर बिकॉज ऑफ यू नो बिकॉज आई हैव कंसीडर्ड एवरी फैक्टर, वेदर इट इज यू नो द लोकेशन, प्लेसमेंट, एम्बियंस, अपॉर्चुनिटीज, गुड एंड बैड तो हर जगह होगा, बट IIMT गाजियाबाद मार्केटिंग इज IIMT गाजियाबाद मार्केटिंग। ऑल राइट, थैंक ओके यू। ऑल राइट या अनन्या गो अहेड। हेलो सर, सर आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि ऐसे कौन से लाइक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस हैं या ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं दैट आई कैन स्टडी ब्रीफली बिफोर जॉइनिंग अ बी स्कूल। ओके तो मतलब मुझे व्हाट आई आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इज दैट अनन्या, आर यू गोइंग इन फॉर विद अ स्पेसिफिक डोमेन और आर यू ओपन इन टू एनी डोमेन फॉर? आई एम ओपन फॉर एनी डोमेन, लाइक थोड़ा जो भी यूजफुल रहे, बिकॉज मेरे को भी करिकुलम का इतना आइडिया नहीं है। ओके तो सबसे पहले करिकुलम का आइडिया लगा लो, आइडिया लगाना बहुत आसान है, उसके वेबसाइट पे जाओ, करिकुलम मिल जाएगा, ठीक है? नंबर वन तो वो बहुत ईजी है। सेकेंड पॉइंट इज के आप सर्टिफिकेशंस इस पॉइंट इन टाइम पे कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर साइंस नहीं है उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू अ फ्यू सर्टिफिकेशंस, लेट्स से बेसिक इकोनॉमिक्स पे कर सकते हो, या अगर फॉर एग्जांपल मार्केटिंग वगैरह के अंदर इंटरेस्टेड हो तो मार्केटिंग के अंदर कर सकते हो, है ना? हाँ वैभव तुम निकल जाओ, कोई बात नहीं। ओके सो तुम मार्केटिंग के, अगर मार्केटिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, बेसिकली आई एम होपिंग यू अटेंडेड ऑल ऑफ आवर सेशंस, राइट? तो एक सेंस मिला होगा कि मार्केटिंग में होता क्या है, फाइनेंस में क्या होता है, एचआर में क्या होता है, ऑपरेशन में क्या होता है, राइट? आपके सेशंस की वजह से ही मार्केटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया था। वेरी गुड। तो मार्केटिंग के अंदर अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो मार्केटिंग रिलेटेड ही तुम कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर कुछ कर लिया, या लेट्स से तुम्हारा यू नो फॉर एग्जांपल लेट्स से
डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कर लिया, तो वो कुछ बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स हैं, ओके, वो तुम कर सकते हो, ठीक है ना? सो दैट इज समथिंग विच यू कैन हैव अ लुक एट. बियॉन्ड दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दी सर्टिफिकेशन विल नॉट हेल्प यू टू मच. तो बहुत ज्यादा तुम्हें सर्टिफिकेशन से हेल्प मिलेगा नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. ये 1 महीना 2 महीने का इंटर्नशिप, तुमने ग्रेजुएशन किया होगा 3 साल 4 साल, तुम्हारे 4 साल का हो शायद, करेक्ट? तो 4 साल का तुमने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद तुम एमबीए करोगे लगभग लगभग 2 साल, ये 6 साल हो गए. 6 साल के कंपैरिजन में 2 महीना क्या है? कुछ नहीं है. तो इफेक्टिवली इट विल नॉट काउंट टू मच. सो डोंट वरी, इफ यू वॉन्ट डू इट फ्रॉम अ लर्निंग स्टैंड पॉइंट, मतलब सीवी पॉइंटर, या इट डज नॉट शोकेस एनीथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? तो सर्टिफिकेशन से ज्यादा बेटर मैं ये बोलूंगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है या कोई इंटर्नशिप मिल जाता है, तो इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो रादर देन अ सर्टिफिकेशन. सर्टिफिकेशन में एक्चुअली इंसान बहुत थियोरेटिकली चीजें सीखता है, प्रैक्टिकली अगर कुछ सीखोगे तो ज्यादा सही रहेगा. और इसमें भी जो भी आप सीखोगे, लर्निंग ही इंपॉर्टेंट है. वो जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता. ऑन अ लाइटर नोट में ये बोलूंगा कि 2 महीने आपके पास टाइम है, तो लाइफ में वो करो जो आप लाइफ में करना चाहते हो, बिकॉज लाइफ में जो आप करना चाहते हो वो करने के लिए आपके पास इसके बाद समय नहीं है, ठीक है? इफ यू फॉर एग्जाम्पल तुम यही सोचते रहो कि एक दिन मैं दोस्तों के साथ ट्रैकिंग करने जाऊंगा, वो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि डेथ बेड तक सोचते ही रह जाओ, क्योंकि भाई आया ही नहीं यार. वो एक दिन इस वाले 2 महीने में 60 बार आ सकता है, समझ रहे? तो डू डू दैट. आई थिंक दैट समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ देर इज एनी थिंग, कोई ऐसी है आखिरी इच्छा, तो पहले ही पूरा कर लूँ. आखिरी इच्छा को आखिरी में होना जरूरी नहीं होता है, तो पहले भी पूरा कर सकते हो, ठीक है? तो इफ देर इज एनी थिंग दैट यू रियली वॉन्ट डू इट, तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मेरे को ये करना है और इस पॉइंट इन टाइम पे कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मुझे वर्ल्ड टूर करना है. वर्ल्ड टूर करने के लिए पता चला कि पहले 50 लाख का लोन पहले ले लिया था, है ना, फिर बाद में 30 और ले, तो उसका पूरा जीवन तो लोन भर रहे हो, वैसा मत करना. बट एनीथिंग विच इज डूएबल, मतलब एक ट्रैवलिंग करना चाहते हो, गिटार सीखना चाहते हो, स्विमिंग सीखना चाहते हो, बॉडी सोचा है बहुत टाइम से कि 7 6 पैक एब्स बनाऊं, ठीक है? सो वट एवर दैट इज, डू इट इन दिस टाइम, ये समय, इसके बाद मुश्किल होगा. कहते हैं ना कि एकदम मेंटली फ्री होके कुछ करने वाला टाइम इसके बाद नहीं आएगा. दैट विल, यू विल मिस दैट टाइम, बट दैट टाइम विल नेवर कम, सैडली, करेक्ट? किसी भी पॉइंट इन टाइम पे आप छुट्टी पे आओगे 2 3 दिन घर, तो भी आप यही सोच रहे हो कि अरे यार जाऊंगा तो बॉस क्या बोलेगा, ठीक है? जाऊंगा तो शाबाशी करेगा, शाबाशी देगा, गालियां देगा. फिर तो मैं रिलाइज होगा कि गालियां नहीं देगा, शाबाशी तो दिया ही नहीं है इसने 2 4 साल में, ठीक है ना? तो चलो थोड़ा काम ही कर लेते हैं, घर जाके भी लोग काम ही करते रहते हैं, है ना? कि जब मैं वापस ऑफिस जाऊंगा तो थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा, और लोड कम होता ही नहीं. आप वापस जाते हो, बोलता है कि इतनी जल्दी कैसे कर दिया इसने, ठीक है, इसको और दे, वो और दे देता है. इसी ट्रैप में आपका संसार ऐसे चलता रहे, ठीक है? आयुष, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डू डू वी रियली आफ्टर एमबीए गेट मेंटली फ्री एट एनी पॉइंट इन टाइम? नो नो नॉट रियली. आई मीन ये तुम लोग ये आइडल टाइम बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो. लाइक होता है ना कि समटाइम्स यू जस्ट वांट टू चिल एंड रिलैक्स एंड डू नथिंग, तो वो चीज नहीं आ पाएगा. तुम्हें काम ही इतना करना पड़ेगा कि वो चीज तुम खाली समय बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो. एब्सोल्युटली. तो वो तो होने ही वाला है, दैट इज बाउंड टू हैपन. तो ये वाला जो आइडियल टाइम है इसको यूटिलाइज करें. इसी दौरान हम एक पार्टी करेंगे, ठीक है? इसी दौरान हम एक पार्टी भी करने वाले हैं, ठीक है? सो इफ यू आर अराउंड, वेलकम, डू ज्वाइन अस. आई विल शेयर एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स, वेन्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें मजे. अच्छा आप बोल लो पहले. नहीं हाँ नहीं, वो है नहीं वन मोर पॉइंट टू अनन्या, उसमें था कि वंस यू कन्वर्ट दोस कॉलेजेस ना, तो हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि जो जितने भी कमिटीज थी, जो एक था फाइनेंस क्लब था, मार्केटिंग क्लब था, ऑपरेशंस क्लब था, एचआर क्लब था, उन सब ने अपना अपना प्राइमर भेजा था. सो बेसिकली बिफोर यू ज्वाइन द बी स्कूल, बिफोर यू सिट फॉर द फर्स्ट क्लास, उन्होंने सारे डोमेन्स के लिए प्राइमर्स भेज दिए थे. और उसमें एक एक असाइनमेंट था, काफी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट सब सारे डोमेन्स में. तो वो बेसिकली एक प्रिलिमिनरी मटेरियल होता है, आपको थोड़ा इक्विप करा देता है कि
कि आप आगे जाके पढ़ने क्या वाले हो, विच इज वेरी सिमिलर टू द डोमेन सेशंस विच वी डिड दिस सीजन. तो अगर आपको थोड़ा उस डायरेक्शन में जाना है तो यू कैन जस्ट रेफर टू आर डोमेन सेशंस, या फिर अगर आपके क्लब्स भी भेजते हैं तो आप उसको पढ़ लेना. सेकेंडली, जो सर्टिफिकेशंस होते हैं बहुत बार बी स्कूल्स के क्लब्स भी कराते हैं. तो जैसे मुझे याद है कि हमारे मेरा इकोनॉमिक्स क्लब था, तो हम लोग भी फाइनेंशियल मॉडलिंग पे बहुत सारे कोर्सेज कराते थे, सर्टिफिकेशंस कराते थे. तो इस टाइप के सर्टिफिकेशंस भी मतलब प्रोसेस में होते रहेंगे, मतलब वो बड़ा डील नहीं है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता ये सारा सर्टिफिकेशंस ऑनेस्टली. मतलब आपको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस वो एक लाइन रहेगा सीवी में नीचे में जो कोई जाके पढ़ेगा भी नहीं. अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से करो तो मत करना, वो सीधे गूगल से कर लो या फिर जो भी कर लो, यूट्यूब से देख कर लेना. सो मतलब रादर देन डूइंग सर्टिफिकेशंस, अगर फॉर एग्जांपल कोई सीनियर है उसके साथ बैठ के पढ़, बिकॉज वो लर्निंग ही इवेंचुअली मैटर करेगा, वो सर्टिफिकेशन में वो क्या नाम लिखा हुआ है नीचे उससे कोई फर्क नहीं, मतलब सर्टिफिकेशन का ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो तुम कोर्सेरा से कर लोगे या वहां से कहीं से भी कर लोगे, तो कोर्सेरा नाम कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, मतलब कोर्सेरा बहुत सारे कोर्सेस कराता है ठीक है, बट ऐसा ऐसा नहीं है कि तुम वो कोर्स कर लिया तो एम्प्लॉयबल हो गया। करेक्ट, सो आई थिंक दैट नेम डज नॉट मैटर टू मच, सो डोंट डोंट गो यू नो आफ्टर दैट नेम, फोकस ऑन द नेम ठीक है। अच्छा वेरी क्विकली आई विल हैव टू टेक वैभव वैब सिंस ही हैज टू सॉर्ट ऑफ लीव। वैभव अक्षय प्लीज अलाउ मी टू टेक वैभव क्वेश्चन फर्स्ट। वैभव प्लीज गो अहेड। Thank you so much, sir. I had a quick question. Like, what are like some of the like positions of responsibility like in a B school, like committee wise? I know like PlaySCOM, which is the target, but I want to know the other like opportunities. Okay, let me pass it on to Ayush first and then I'll add on. Ayush ज़्यादा Yeah. फ्रेश है, Ayush पहले आंसर करिए। देखो, ये स्टूडेंट बॉडीज बेसिकली तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट इज अ क्लब, सेकेंड इज अ कमिटी, थर्ड इज योर फेस. ठीक है, सो ये मोटा मोटा दिस स्ट्रक्चर इज फॉलोड इन अक्रॉस ऑल द कॉलेजेस. सो सिंस यू आर अवेयर ऑफ प्लेसकॉम, सो दैट इज अ कमिटी. ठीक है, सो देर आर सर्टेन नंबर, सर्टेन टाइप्स ऑफ कमिटीज तुम्हारे कॉलेज में, या फिर यू नो इंदौर में अलग होगा, लखनऊ में शायद अलग होगा नंबर्स, बट शायद काम या फंक्शनैलिटी में वो सेम होंगे. तो सबसे पहला होता है सॉरी एकेडमिक कमिटी. ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू प्लेसकॉम. ठीक है, एकेडमिक कमिटी का बहुत बड़ा रोल होता है. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन यू नो इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन न्यू कोर्सेज टू योर बैच, रिमूविंग द रिडंडेंट वंस. ठीक है, अगर किसी का यू नो डीसीपी लगता है तो उसको भी वो लोग थोड़ा डिफेंड करके उसके भी नया पार लगाते हैं. सो ये सब चीज भी देखते हैं वो लोग. सो एकेडमिक कमिटी, प्लेसमेंट कमिटी का यू नो देर इज वन मोर कमिटी जो मेरे यहाँ था, विच इज प्लेसमेंट प्रिपरेशन कमिटी. ठीक है, तो ये रेज्यूमे आइटरेशंस, मेंटर अलॉटमेंट और यू नो डोमेन सेशंस कंडक्ट कराना, फिर मॉक जीडी कराना, मॉक पीआईएस कराना, प्लेसमेंट प्रिपरेशन कमेटी का काम होता था. तो इट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड कमिटीज. उसके बाद एक होता है मीडिया एंड पीआर सेल या मीडिया कॉम. तो वो बेसिकली दे आर द फेस ऑफ योर कॉलेज. तो तुम अभी जो भी कॉलेज का इंटरव्यू दे रहे होगे, उनका सोशल मीडिया हैंडल देखते होगे, वेबसाइट देखते होंगे, तो इट इज इंटायरली रन बाय स्टूडेंट बॉडी. एंड आई मीन मीडिया कॉम के लोग आर द यू नो दीज आर द स्मार्टेस्ट सेट ऑफ पीपल आई हैव एवर इंटरेक्टेड विद. आई हैड वेरी क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया कॉम एंड आई हैव ह्यूज हाई रिगार्ड्स फॉर देम. सो आई मीन उनको देख के जब तुम बातें करते हुए देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई ये कौन है वो. उसके बाद मीडिया कॉम हो गया. आई थिंक ये मेजर मेजर कमिटीज ही होते हैं. तो ये कमिटीज का काम क्या होता है, बेसिकली टू इंटरेक्ट विथ द पीसीपी ऑफिस और द एमबी ऑफिस या जो भी तुम्हारे कॉलेज का जो गवर्निंग बॉडी होगा, विच इज रन बाय यू नो डायरेक्टर, प्रोफेसर, जो भी होगा. सो दे यूजुअली इंटरेक्ट विद द कॉलेज गवर्निंग बॉडी. हाउएवर क्लब्स बेसिकली द डोमेन हैंडल द डोमेन पार्ट, दे डोंट हैव मच रोल टू प्ले विद यू नो इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ एनी, मतलब उनका प्रोफेसर या फिर गवर्निंग बॉडी से वो इंटरेक्शन नहीं होता, उनका मेजरली स्टूडेंट्स के साथ होता है इंटरेक्शन. क्लब्स क्या होते हैं बेसिकली, तुम्हारा जैसे इकोनॉमिक्स क्लब हो गया, फाइनेंस क्लब हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेल हो गया, एचआर सेल, एचआर क्लब हो गया, ऑपरेशंस क्लब हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्लब हो गया. तो ये सारे क्लब होते हैं, मेजर यही होता है. उसके बाद होता है इंटरेस्ट ग्रुप्स आ जाते हैं. इंटरेस्ट ग्रुप्स में अगर तुम्हें डांस करना है, ड्रामा करना है, यू नो मूवीज का शौक है, एक्टिंग का शौक है, ये जो भी है तुम्हारे हॉबीज ओरिएंटेड है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स होते हैं. हारमोनियम, वो तुम्हारा उसका लाइक प्रोसेस होता है. फोटोग्राफी का शौक है, तो ये सारे डेडिकेटेड क्लब्स हैं. उसके बाद फाइनली आ जाते हैं फेस्ट.
तो फेस्ट में तुम्हारा एक कल्चरल इवेंट होता होगा तो उसकी एक अलग कमेटी होती है, एक जैसे मेरा मार्केटिंग फेस्ट था तो उसकी अलग कमेटी होती थी, और एक हमारा एक IIT प्लस IIM इंदौर का एक कम्बाइंड IIF समिट होता था, बेसिकली वहाँ पे हम स्टार्टर स्कूल आते थे वहाँ पे पढ़ते थे इनको, तो एक ये तीन तरह का होता था। तो ये बेसिकली ये तीन मेजर डिविजन होते हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट जिसमें है उसमें तुम अप्लाई करना। हाँ, कैच ये होता है, मेरे कॉलेज में ये कैच होता था कि तुम एक बार में एक ही कमिटी में अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुमने अगर अकेडकॉम में अप्लाई कर दिया तो तुम प्लेसकॉम में भी करोगे, तुम ये एक ही में कर सकते हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। तो उसी में करना, थोड़े खुद को भी असेस कर लेना कि तुम किसके लिए फिट बैठते हो, ठीक है, उसके बाद अपना सेम गोल्स विद कमिटी क्लब्स। अगर मेरे को इको सेल में करना था, मेरे को फिर भी इंटरेस्ट था फाइनेंस में, ये था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा इको में थे बिकॉज ऑफ अ रेलिवेंट बैकग्राउंड। आई मीन उनके सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत रिगरस होता है, तुम्हें बहुत रातें जागनी पड़ेगी उसके लिए भी। तो अगेन यू कैन अप्लाई फॉर ओनली वन क्लब एट अ टाइम, एंड उसके बाद अगर उस क्लब में नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। करेक्ट, तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया बताया आयुष ने, काफी कॉम्प्रिहेंसिव। तो अच्छा, बेसिकली कमिटीज का जो द परव्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज इज मच ग्रेटर, ठीक है। तो वहां पे अथॉरिटी ज्यादा होती है, क्लब्स के अंदर अथॉरिटी कम होती है और मस्ती ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे ये हाँ कि तुम्हें कुछ सीखने को अच्छा मिलेगा, लेट्स से ऑपरेशन क्लब में हो तुम। हमारे यहाँ पे बहुत फेमस क्लब होता है विच इज कॉल्ड म्यूजिक क्लब, ठीक है। तो म्यूजिक क्लब के अंदर यू नो यू डू म्यूजिक एंड यू यू नो डू द एंटरटेनमेंट फॉर द एंटायर कॉलेज। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग करते थे म्यूजिक क्लब के अंदर, तो वो होता है। कुछ कुछ क्लब्स एंड कमिटीज में देर इज अ क्लैश। बाई क्लैश आई मीन मतलब लड़ाई नहीं, बट यू कांट ऑप्ट फॉर अ क्लब इफ यू ऑप्टेड फॉर अ कमिटी। तो वो सब देखना पड़ेगा, ठीक है। जनरल सिनेरियो, एक क्लब एक कमिटी, बहुत सारे लोग रहते हैं, बट यू कांट बी अ प्लेसकॉम एंड अ म्यूजिक क्लब, मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट। सो वो अपने को देखना पड़ेगा। सो आई थिंक वंस यू गेट इन टू द बी स्कूल, तुम्हारे ब्रीफिंग सेशन होंगे जहाँ पे दे विल ब्रीफ यू अबाउट दीज क्लब्स एंड कमिटीज। आई थिंक यू कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई परेशानी नहीं। प्लेसमेंट प्लेसमेंट के अंदर बहुत सारे लोग जो प्लेसफॉर्म में जाते हैं वो अकेडमिकली कई बार फेल भी हो जाते हैं, जस्ट के लिए। ऐसा नहीं है मतलब, बट हाँ, स्कोर्स थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, स्कोर्स थोड़े खराब हो जाते हैं, बाउंड टू हैपन, क्योंकि आप यू नो पूरे कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो, है ना। और यू नो पूरे टाइम आप बहुत ही सीरियस फेस बना के घूमते रहते हो, काफी डिफिकल्ट काम होता है। ठीक है, ऐसा मैंने रियलाइज कर लिया था जब मैंने प्लेसमेंट कमिटी के लिए अप्लाई किया था कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा टू हैव अ सीरियस फेस 24/7, ठीक है। तो वो एकदम सीरियस फेस 24/7 बना के वो ऐसे घूमते रहते हैं एकदम डरावने तरीके से, ठीक है ना, कि ऐसे एकदम फुल ऑन, मतलब तुम्हें ऐसी फीलिंग आएगी कि एकदम मनहूसियत छा गई है, जैसे प्लेस कॉमर्स आसपास दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये वाली लाइन हम कट कर देंगे रिकॉर्डेड सेशन के अंदर। सो द आइडिया इज के दैट इज समथिंग विच हैपेंस, ओके। और यू नो ऐसा नहीं कि वो ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं, दे आर डेजिग्नेटेड टू डू इट, दे आर नॉट यू नो मेंट टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स, बिकॉज यू नो दैट माइट क्रिएट बायसेस। इनको प्लेसमेंट कराना है, बायस नहीं हो सकता है, करेक्ट। तो वो बायस ना हो इसके लिए देर आर लॉट ऑफ प्रोहिबिशंस फ्रॉम दैट स्टैंडपॉइंट। तो आपको ये देखना है कि भाई मेरे को प्लेसकॉम में जाना है कि मेरे को प्लेसकॉम में नहीं जाना है। प्लेसकॉम में अगर आप जाओगे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपके बहुत सारे यू नो फ्रेंड्स नहीं होंगे पर सारे लोग आपको जानेंगे, करेक्ट। ऐसा कोई नहीं होगा कॉलेज में जो आपको नहीं जानता है, और काफी लोग आपसे डरते भी, समझ लो मतलब लोग एकदम डरे, आप वहां पहुंचे मतलब लोग कांपने लग गए भाई, ठीक है। तो वैसा वाला सिनेरियो, यू हैव अ रियली अमेजिंग कनेक्ट विद द रिक्रूटर्स, जो बाद में आपको बहुत हेल्प करता है। तो प्लेसकॉम के डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेज भी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं रिक्रूटर हूँ, मैं किसी कॉलेज में गया, मैं प्लेसकॉम को पहले हायर करूंगा, बाकी सब लोग चिल्लाते रहेंगे कि प्लेसकॉम वालों ने गलती कर दी, प्लेसकॉम वालों ने, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इश्यूज कर दिए, पहले प्लेसकॉमर को प्लेस करा रहे हैं बाकी लोगों को। बट रिक्रूटर खुद ही ऐसा करता है, इसमें प्लेसकॉम की कोई गलती नहीं, ठीक है। वो खुद ही, फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम प्रेशर झेल सकते हो, तो सर्टेनली आई विल टेक अ बेट ऑन यू रादर टेकिंग अ बेट ऑन समबडी एल्स, एंड दैट इज व्हाई प्लेसकॉमर्स हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग प्लेस्ड। अगर एक सेम रोल में दो तीन लोग आ गए और उसमें एक प्लेसकॉमर है, तो उसके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो दैट इज द एडवांटेज। डिसएडवांटेज वही हो जाता है कि मतलब
आप ना खुल के पार्टी नहीं कर सकते, ठीक है, वो सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे लाइफ वहां पे, मतलब कि एक जगह पार्टी हो रही है आप वहां जाके सब कुछ भूल चुके हैं, ऐसा नहीं होगा कभी आपको, क्योंकि आपको पता है कि अगले दिन आपको एक सर्टेन काम करना है सुबह उठ के, ठीक है, सुबह उठ के आपको इस रिक्रूटर को कॉल करना है, दोपहर को आपको इस रिक्रूटर को कॉल करना है, शाम को इस रिक्रूटर से क्षमा मांगनी है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, तो आप पार्टी कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, और वो लोग पार्टी भी अपने ही सर्कल में करते हैं, मतलब बाकी लोगों के साथ पार्टी नहीं करते, ऐसा ऐसा सा रहता है सिनेरियो, ठीक है, आई होप दैट हेल्प्स, या अक्षित प्लीज गो अहेड, सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं सीरीज रिलेटेड। ओके सो पहला क्वेश्चन तो मैं पहले बेसिकली ये बोलना चाहूंगा कि आपका आइडियल टाइम वाला मैं पॉइंट समझ गया, बट स्टिल अगर जैसे हमारे सीवी के लिए पॉइंट्स कम है तो हम नेक्स्ट 2 मंथ्स में ऐसा क्या मीनिंगफुल कर सकते हैं जो हम सीवी में ऐड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ऑलरेडी हमारे सीवी के पॉइंट्स हैं एग्जिस्टिंग, क्या हम उनको कॉलेज में एंटर करने से पहले वेरीफाई करवा सकते हैं, और क्या वो वेरिफिकेशन वैलिड होगा कॉलेज में एंटर करने के बाद। पर, तो मैं पहले वाला क्वेश्चन पहले आंसर कर दूं कि दूसरा वाला पहले आंसर करूं? दूसरा पहले कर देता हूं, दूसरा वाला आसान है। ओके, सो सेकंड वाला क्वेश्चन अक्षित ये था कि क्या हम पहले से वेरीफाई करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं पहले से वेरीफाई, ओके, बट द ओनली थिंग इज कि ऑफिशियल आईडी से वेरीफाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि gmail.com से मेल आ रहा है कि वेरीफाइड, तुम खुद ही अपने आप को मेल करके खुद ही वेरीफाइड लिख दे रहे हो, वो नहीं चलेगा। आपने अगर लिखा फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो @hindustanunilever.com से आना चाहिए, करेक्ट, तो वो मेल फ्रॉम अ रेलेवेंट अथॉरिटी अगर आता है तो आप बिल्कुल वैलिड होगा, आप उसको बाद में वैलिडेशन के लिए आप उसको शेयर कर सकते हैं एंड इट विल बी एक्सेप्टेड। तो ये हो गया आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। स्पर्श सिंह, ये मैनेजर से नहीं करवा सकते, अरे मैनेजर ही करेगा भाई, जैसे ही होता @hul.com के पहले वाला पार्ट मैनेजर ही था, वो थोड़ी जाके सीधा मतलब रिलायंस में मुकेश अंबानी से थोड़ी साइन करवाओगे, अपने मैनेजर से ही करवाना होता है, करेक्ट ना, तो तुम्हारा मैनेजर ही करेगा, ठीक है, पहला। ओके अक्षित, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा हम क्या करें 2 महीने में जिससे मेरा सीवी बहुत इंप्रूव हो जाए? ऐसा एक्चुअली आप कुछ नहीं कर सकते जिससे सीवी बहुत इंप्रूव हो जाए, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंक्रीमेंटली आप कुछ कुछ चीजें कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कुछ आपने कोर्सेस कर लिए, ठीक है, मार्केटिंग के अंदर लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वो बहुत ही डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, वो आपका एक्चुअली वो बहुत ज्यादा एडवांटेज क्रिएट नहीं करने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो बेसिकली 2 महीने में आप कुछ मीनिंगफुल करो, कोई इंटर्नशिप पकड़ो, कोई प्रोजेक्ट ऐसा लाइव प्रोजेक्ट पकड़ो जिसमें आप कुछ काम करो, सर्टिफिकेशन वगैरह के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, ठीक है, कुछ काम धंधा अगर कुछ मिलता है 2 महीने में, जहाँ पे दिन में 6-6 8-8 घंटे आप काम कर रहे हैं, करेक्ट, इफेक्टिवली मीनिंग कि आपने 2 महीने में करीब करीब 500 घंटे काम किए हैं, कुछ मीनिंगफुल आपने उसके अंदर अचीव करके दिखा दिया, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज समथिंग विच विल गिव यू कॉन्फिडेंस, ठीक है, अभी नहीं, फॉर मैं एग्जाम्पल ऑलरेडी जॉब तो कर ही रहा हूँ, तो मतलब 6-8 घंटे देना तो मुश्किल हो जाएगा तुम्हें। बट नहीं, तो जॉब अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो फिर क्या जरूरत है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है जॉब में, जो जो अभी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जॉब तुम्हारा अभी खत्म होने वाला है, आई थिंक पेपर डाल दिया होगा, हाँ, 21st में लास्ट वर्किंग डे मैंने। हाँ, तो 21st में लास्ट वर्किंग डे है, तो अब लोगों को हाय बाय बोलना शुरू करो धीरे धीरे, ठीक है, तुम्हारा हैंड ओवर चालू होगा, हाँ हैंड ओवर पूरी ईमानदारी से करना, बहुत सारे लोग हैंड ओवर में गोची कर देते हैं, ठीक है, ठीक से नहीं सिखाते जाते हैं, फिर उसके बाद आने वाले जो पूर्व आपके जो वंशज हैं वो आपको गालियां देते रहते हैं, ठीक है, जो भी उस रोल में आगे आते हैं वो सब आपको गालियां देते हैं, आपको भी स्कूल में हिचकियां आ रही होती हैं कि भाई फिर किसी ने गाली दे दिया, तो आपको करना बहुत सिंपल है कि आप अपना हैंड ओवर अच्छे से करो, जो चीजें तुमने इस रोल में करी हैं उसको और अच्छे से समझो, ठीक है, अगर इसी रोल में कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, कुछ नया अपनी कंपनी में कोई नया प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, अपनी कंपनी के अंदर कुछ और चेंजेस ला सकते हो प्रोसेस लेवल पे, या नए इनिशिएटिव्स, वो चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करो, रादर देन कि फॉर एग्जांपल मैंने संस्कृत लैंग्वेज सीख लिया 2 महीने में, विल नॉट हेल्प टू मच, ठीक है अक्षय, अक्षय क्वेश्चन पूछ के बाहर चला गया, बॉस का फोन आने लगता है, नहीं नहीं ओके यही यही, थैंक अच्छा, यू सर। ऑल राइट, ओके या
Ayush, if you have anything on No, Akshit's no, point. no. I think you have summarized it well. Yeah, Nitya, go ahead. Am I the only one who is not able to hear? I cannot hear you. बिल्कुल लगा भाई क्या हो गया ये, ऐसा क्या बोल दिया मैंने अक्षित को, अक्षित बुरा मान गया, मुझे सुना ही नहीं देना। हेलो ध्यान सर। हाँ सर, सर फर्स्ट क्वेश्चन ये था मेरे पास, टू क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ यू आर पार्ट ऑफ दीज कमिटीज तो तुम फॉरेन एक्सचेंज के लिए नहीं जा पाते हो क्या, वो एक क्वेश्चन था। ओके एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कि ये जो IIFT इज गिविंग यू MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, तो विल यू अब बी एट एन डिसएडवांटेज कि वो सेम ही है लाइक एनी अदर MBA, तुमको ऐसा डोमेन स्पेसिफिक वैसे रोल्स नहीं रहता, यू गेट ट्रीटेड लाइक एनी अदर MBA। करेक्ट। सो बेसिकली टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, अगर आप किसी कमिटी में हो ठीक है, तो आप यू कैन सॉर्ट ऑफ रिजाइन एंड टेक अप स्टूडेंट, तो आप ऐसा कर सकते ठीक है, यू ओके कैन लीव योर पोस्ट। मतलब ऐसा नहीं होता कि कमिटी में आप हो तो आप कमिटी छोड़ ही नहीं सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए, है ना। बहुत सारे लोग तो फेल वो होते हैं, रेज्यूमे से भी चला जाता है कि यू आर पार्ट ऑफ दैट कमिटी। एब्सोल्युटली, तो वो ओके आपका पॉइंटर अप्रूव नहीं होगा। अगर आपने रिजाइन कर दिया तो इट विल नॉट गेट अप्रूव्ड ठीक है। तो किसी भी सेकेंड ईयर में पॉइंट, नहीं रहेगा, फर्स्ट ईयर में तो मतलब रह हाँ सकता है। मतलब अगर अगर मान लो तुमने 1 साल के लिए किया है तो 1 साल के लिए रहेगा, बट यू कांट मेंशन दैट यू आर फंक्शनिंग एज एज प्लेसमेंट कमिटी और प्लेसमेंट सो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी देयर, एंड दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत सारे लोग करते हैं, लॉट ऑफ पीपल डू दिस, के उन्होंने लेट्स से रिजाइन कर दिया एंड देन दे वेंट फॉर शूट ठीक है। तो दैट इज नंबर वन। नंबर टू, व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन लुक एट प्लीज। सर IIFT का MBA हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस। IFT का MBA इन IB इंटरनेशनल बिजनेस एक्चुअली कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इफ यू सी द करिकुलम देयर आर फ्यू कोर्सेस व्हिच आर देयर फ्रॉम एन इंटरनेशनल बिजनेस स्टैंडपॉइंट, बट वो मोटा मोटा बाकी बिजनेस स्कूल्स भी पढ़ाते हैं, ऑल्दो दे डोंट मेंशन इट यू नो वेरी वेरी ओपनली, बट दैट इज देयर। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर आई हैड स्टडीड अ सब्जेक्ट कॉल्ड इंटरनेशनल फाइनेंस, आई हैड स्टडीड अ सब्जेक्ट कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग, करेक्ट। तो टू दैट लेवल बाकी कॉलेजेस भी करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है। तो एक रिक्रूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे ट्रीटेड एज इक्वल या ओनली। एब्सोल्युटली देयर ओके इज नो डिफरेंस फ्रॉम दैट स्टैंडपॉइंट। जब रिक्रूटर हायर करता है फ्रॉम अ यू नो फ्रॉम अ मार्केटिंग स्टैंडपॉइंट, तो दे सी इफ द पर्सन हैज द स्किल्स ऑफ ठीक है, तो वो ये नहीं सोच रहा होता है कि आईबी का है। हाँ ओके सर, और एक छोटा सा क्वेश्चन था। सो लास्ट ईयर तक IIFT का एक अलग सा एग्जाम हो रहा था, तो दे माइट हैव फाउंड समथिंग दैट वाज नॉट देयर इन कैट एग्जाम। तो आई एम थिंकिंग कि इस बार उन्होंने कैट से ही लिया है, तो मे बी वो जो उनका वो एडिशनल जो उनको टेस्ट करना था वो शायद वो इंटरव्यू के थ्रू टेस्ट करने का ट्राई करेंगे। तो आप मुझे बता सकते हो कि कैट एग्जाम और IIFT एग्जाम में कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस था क्या, एनी एडिशनल सब्जेक्ट या एग्जाम्स? हाँ, एक्चुअली कुछ बहुत बढ़िया डिफरेंसेस थे। सबसे तो पहला डिफरेंस ये था कि काफी एरर्स होते थे IFT एग्जाम में ठीक प्लेटफॉर्म है, भी बहुत घटिया था बहुत ही घटिया उसका। प्लेटफॉर्म था। मतलब लोग उसके अंदर क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं ठीक है। IFT का मतलब IFT का एग्जाम इतना बुरा होता था कि उससे बेटर आप गूगल फॉर्म किसी को दे दो, गूगल फॉर्म फिल करके आपको दे देगा, उससे भी बेटर है ठीक है। मतलब ऑनेस्टली, तो आई थिंक दैट इज ऑनेस्टली उन्होंने कैट को इसलिए दिया है क्योंकि दे वॉन्टेड टू ऑफलोड दैट प्रोसेस, क्योंकि वो ऑनेस्टली सही मैनेज नहीं हो पा रहा था। प्राइमरीली IFT एग्जाम और कैट एग्जाम में यू नो लेवल का डिफरेंस है। IFT एग्जाम थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव ज्यादा होता था और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेशन कम था। ऑन दी अदर हैंड, जैसे DI के क्वेश्चन आपको बहुत से देखने को मिलेंगे, IFT के आप पुराने पेपर उठाओगे तो आपको डिफिकल्ट DI प्रॉब्लम्स वहां पे देखने को मिलेंगे, करेक्ट। सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी देयर, ओके राइट। एक सो इम्पोर्टेंट सो आई एस्पेक्ट थिंक होता है दैट्स नहीं, द ओनली थिंग, अदरवाइज मुझे लगता नहीं है। या आयुष गो अहेड। जीके हाँ मतलब जीके, और जीके तो खैर मेरे सभी लोग पूछ रहे हैं, मतलब जीके तो दैट गोज विदाउट सेइंग कि वो तो हमको प्रिपेयर करना ही है, न्यूज हम पढ़ ही रहे हैं। आई थिंक दैट इज प्रीटी मच ऑल राइट। सो आई थिंक बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। IFT, आई रिमेम्बर माई IFT एक्सपीरियंस वॉज वेरी चिल ठीक है।
बहुत सारे लोगों का यहाँ पे IFT विल बी मतलब लास्ट इंटरव्यू, मेरा IFT फर्स्ट इंटरव्यू था, मेरा सबसे पहला IFT पहले पहले इंटरव्यू ले लेता था, बहुत जल्दी इंटरव्यू लेता था। तो IFT मेरा पहला इंटरव्यू था, मैं उधर गया एंड दे आस्क मी वेरी सिंपल टेल मी अबाउट योर सेल्फ, पूछा थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, पूछा थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे, उसके बाद बोला कि ठीक हो गया, बहुत ही ज्यादा देवर एंड देन आई गॉट थ्रू। तो मतलब बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट नहीं था इंटरव्यू, ओके थैंक सो यू सो मच। या आयुष गो अहेड। या सर, लाइक मेरा आई एम मुंबई में SM का PR है अभी 2 दिन में। सो लाइक कैन यू गिव मी सम लाइक इनसाइट इनटू SM एंड लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट। ओके सो टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट SM ऑलरेडी। आई मीन सर, लाइक इट्स अबाउट मेनली अबाउट लाइक हर कंपनी का वो होता है आजकल टारगेट है कि कार्बन फुटप्रिंट वगैरह रिड्यूस करना है। एसएम का मतलब क्या होता सो लाइक मतलब सारे कंपनी के जो भी सारा लाइक जो भी मैनेज। प्रोसीज एक सारा नहीं बट लाइक फॉर एग्जांपल जैसे लाइक EVs वगैरह का चल रहा है उस टाइप से अरे लाइक भाई मेरे होता क्या है एसएम, एसएम का फुल, एसएम का फुल फॉर्म घुमा सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। फिरा क्यों रहे, सीधा सीधा बताओ। हाँ सो सबसे पहले व्हाट यू शुड डू इज आयुष गो टू द वेबसाइट एंड हैव अ लुक एट द करिकुलम, ठीक है। सस्टेन तो वो करिकुलम एक बार देख लो, अगर सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कभी भी कुछ भी काम किया है तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, करेक्ट। सो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अच्छे तुमने किसी भी ऐसी कंपनी में काम किया है जिसका सस्टेनेबिलिटी के अलावा कुछ इनिशिएटिव्स, तो उसके बारे में पढ़ सकते हो। बियॉन्ड दैट अभी फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया क्या कर रहा है, या वॉट आर सम ऑफ द की एलिमेंट्स फ्रॉम यू नो फ्रॉम द ओवरऑल इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट जो सस्टेनेबिलिटी के अंदर हो रहे हैं, जैसे जो ग्रीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स, उसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जो रूफ टॉप प्रोजेक्ट है, करेक्ट। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज एलिमेंट्स हैं सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझो, करेक्ट। उसके अलावा फिगर आउट योर मोटिवेशन एज टू वाई डू यू वॉन्ट टू गेट इन टू सस्टेनेबिलिटी मैनेज, मतलब वहां जाके ऐसा थोड़ी बोल दो कि वाई डू वॉन्ट टू डू सस्टेनेबिलिटी बिकॉज सर आपने कॉल दे दिया था, आप कॉल में कुछ और देते तो कुछ और बोलता, करेक्ट। तो दैट इज समथिंग विच यू शुड नॉट आंसर। सो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट क्यों आपके लिए ठीक है और वाई डू यू वॉन्ट टू गेट इन टू सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, करेक्ट। राइट समथिंग दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट, थैंक यू। ठीक है, ऑल राइट। सो आई थिंक ओवरऑल सारे ही सारे, हाँ संचित गो अहेड। सर सर, आई हैड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग IIMT गाजियाबाद ओनली। सो आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द PGDM कोर प्रोग्राम एट IIMT। सो लाइक डू यू थिंक आई शुड गो अहेड विद इट और शुड आई गिव दैट अनदर ईयर? व्हाट इज योर संचित एडवाइस? कैन यू प्लीज कम अगेन। सर, सो आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द PGDM कोर प्रोग्राम एट IIMT। सो आई जस्ट वॉन्टेड योर ओपिनियन, लाइक शुड आई गो अहेड विद इट और शुड आई गिव दैट अनदर ईयर? PGDM सो एंड दिस IIT गाजियाबाद, यस सर, PGDM कोर प्रोग्राम। संचित ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज एब्सोल्युटली नॉट माय कॉल टू टेक, आई बिलीव दैट्स अ गुड कॉल, ठीक है, आई बिलीव दैट्स अ गुड कॉल। आई डोंट बिलीव दैट डेडिकेटिंग वन मोर ईयर फॉर प्रेपरेशन इज अ वेरी गुड आइडिया इफ यू हैव समथिंग लाइक एन IIMT, ठीक है। तो अगर IIMT कन्वर्ट है तेरा कोर प्रोग्राम तो नहीं करना चाहिए, इज माई व्यू। तो संचित वॉज इज योर सेकेंड अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट? सो फर्स्ट अटेम्प्ट देखो भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग तेरा कॉल है, इफ यू बिलीव के यू नो डोंट वॉन्ट टू सेटल एट IIMT, तेरा पहला अटेम्प्ट है, पहले अटेम्प्ट में तुम IIMT पहुंच रहे, माइट एज वेल टेक अ चांस सेइंग दैट कि मैं यू नो आई वुड वॉन्ट टू, बट देन यू कैन टेक दैट शॉट सेइंग दैट आई कैन प्रिपेयर अगेन, बट रिमेंबर तेरे को फाइट मारना पड़ेगा, तुम्हें फिर से वो पूरा का पूरा जर्नी ट्रेस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इफ यू आर रेडी टू पुट इन यू नो दोज मेनी आर, मेहनत लगेगा उसके अंदर, इतना आसान नहीं है, करेक्ट। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू प्रिपेयर मेंटली योर सेल्फ विथ एंड देन टेक अप, सो यू नो डिस्कस विथ योर फैमिली, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स ऑल्सो, एंड लेट अस ऑल्सो हैव अ ब्रीफ डिस्कशन आफ्टर यू हैव हैड दीज यू नो डिस्कशन। तूने अपना थॉट प्रोसेस कर लिया, उसके बाद तूने एक बार घर वालों से भी बात कर लिया, उसके बाद एक बार फिर से कनेक्ट कर, ठीक है। तो गिव मी अ कॉल आफ्टर यू हैव अ थॉट प्रोसेस एंड देन आई गिव यू सम मोर प्रोज एंड कॉन्स, श्योर सर, थैंक यू। ओके या हाँ पार्थ गो अहेड, हेलो सर, मैं ऑडिबल? या पार्थ
Yeah, same question as Sanchit sir, but I have converted PGDM financial management sir, and this is my second attempt at. तो क्वेश्चन क्या है? सर वही कि जाना चाहिए कि नहीं, मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कन्वर्ट हुआ है कोर में. हाँ तो नहीं, सो बात मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर हमेशा मतलब हमेशा थॉट प्रोसेस या क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि इसके अलावा ये रास्ते हैं, मतलब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये कोई रास्ता थोड़ी है, मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि समय रुक गया, तुम कहीं जा ही नहीं रहे हो, तो इफेक्टिवली तुम कहीं ना कहीं तो जाओगे ना. सो इफ नॉट दिस, व्हाट इज योर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव? सर इज इट लाइक वर्थवाइल फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ आईएमटी गाजियाबाद सर, दैट्स लाइक द प्राइमरी क्वेश्चन सर, नहीं, लाइक मेरा क्वेश्चन ये बुक है कि मार्केटिंग भी इसको. व्हाट इज वर्थ फॉर यू नो टू यू मे नॉट बी वर्थ टू मुकेश अंबानी, राइट? राइट सर, तुम सोच रहे हो 25 लाख मिल जाए, वो उसका 25 लाख गिर जाना तो उठा नहीं, करेक्ट? या तो व्हाट इज यस सर, वर्थ इज ऑल्सो वेरी सिचुएशनल. तो मेरा राइट. क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि वर्थ है कि नहीं, कैसे डिफाइन करते हैं? पहले मेरे को डेफिनेशन बताओ, फिर मैं बताता हूँ कि वर्थ वाइल है. वर्थ वाइल इन सेंस आई मीन सर कि आईएमटी गाजियाबाद बहुत मार्केटिंग, लाइक यू योर अबाउट लाइक यू नो ये मार्केटिंग भी स्कूल है, मार्केटिंग भी स्कूल है, एंड आई कन्वर्टेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर हाँ, वो बेसिस पे सर. मार्केटिंग बी स्कूल है तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, ये पूछ रहे हो कि प्लेसमेंट लग जाएगा कि नहीं. प्लेसमेंट तो लग जाएगा, आई रेड द रिपोर्ट्स, आई स्पोकन टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल, बट लाइक वो फाइनेंशियल फाइनेंस के रिलेटेड लाइक वो वर्थ वाइल रहेगा इन कंपैरिजन विद मार्केटिंग सर, लाइक ऐसा नहीं रहेगा तेरे कि वो पास बोलेंगे मार्केटिंग इसने. है नहीं ना, तुम कंपेयर क्यों कर रहे? ये तो अलग अलग बात हो गई भाई. मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि अनंत अंबानी के पास कितना पैसा है, ये क्या बात हुई? ओके ऑब्वियसली सर, बात ओके है, अनंत अंबानी के पास ज्यादा है. मार्केटिंग ऑब्वियसली इज बेटर, उसमें कंपैरिजन वाली बात नहीं है. आईएमटी मार्केटिंग इज एनी डे बेटर देन आईएमटी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, करेक्ट? ओके बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ डिसेंट प्रोग्राम, उसके अंदर भी तुम्हारे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे, ठीक है? ओके ओके सो इफ सर, यू वॉन्ट टू गो फॉर इट, गो फॉर इट. प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ओके है? ओके सर, यस सर. ऐसे घुमा फिरा के मत पूछा करो वर्थ वाइल है कि नहीं, कैसे पता है कोई वर्थ वाइल है कि नहीं? राइट अब सर, तो वर्थ वाइल में तुम ये डिफाइन कर रहे हो कि आई वॉन्ट टू गेट कमिटेड इन द बी स्कूल, ये सारी चीजें तुमने दिमाग के अंदर रखी हुई, मुझे नहीं बता रहे, तो मैं कैसे बताऊँ वर्थ वाइल है कि नहीं, करेक्ट? तो वर्थ तो है राइट. ना, सो स्टेट योर कंडीशन अप फ्रंट. या नेक्स्ट, ऑलराइट. सो आई थिंक हमने सारे के सारे क्वेश्चंस, हमेशा की तरह आयुष, हमने सारे क्वेश्चंस एग्जॉस्ट कर दिए हैं. आई थिंक सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, ठीक है? तो बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, आई एम होपिंग कि मजा आया होगा आज के सेशन के अंदर, कुछ बढ़िया हमने बातें करी. जो 2 महीना है, अगर कुछ अच्छा कर सकते हो अच्छा करो, ठीक है? और एंजॉय करो लाइफ, यू नो, मेक मेक इट काउंट, ठीक है? ऐसे बढ़िया वाले मेमोरीज बनने चाहिए, क्योंकि लाइफ के एमबीए लाइफ में थोड़े डिप्रेसिंग मोमेंट्स आएंगे, पहले से बता देता हूँ, ठीक है? यू मार्क माई वर्ड्स, एंड आई एम श्योर यू नो, वो कुछ डिप्रेसिंग मोमेंट्स आएंगे, उसके लिए कुछ अच्छे मोमेंट्स बना लो, विच विल हेल्प यू काउंटर दीज बैड मोमेंट्स. तो बैड मोमेंट्स तो आएंगे पक्का, ये तो पक्की बात है, ठीक है? और कुछ तो बड़े ही बैड मोमेंट्स आते हैं, मतलब एकदम बियॉन्ड कंट्रोल, तो उसके लिए कुछ अच्छे मोमेंट्स चाहिए, करेक्ट? सो ऑलराइट, ठीक है? मयूर जी सिंह, डू वी गेट अम्ब्रेला प्लेसमेंट्स फॉर अदर देन कोर? इसके लिए बताना पड़ेगा कौन से कॉलेज की बात करी, ठीक है ना? अम्ब्रेला सुनते ही मेरे को तो मुंबई वाले कॉलेज की याद आ जाती है, तो बारिश आने वाला है कुछ दिनों में, है ना? ये क्लियर है. अनिरुद्ध सिंह की, सर सेक्टर 29 कब? मैं तो जाता ही रहता हूँ, ठीक है? कभी भी रैंडमली मेरे को कॉल करो, वहीं मिलूंगा. ऑल राइट, सो आई थिंक राहुल सिंह, NMIMS वर्सेस IMT विथ योर नॉलेज. NMIMS डिपेंड करता है कौन सा है, अगर NMIMS कोर है तो NMIMS कोर जा सकते हो IMT के अगेंस्ट, ठीक है? अगर NMIMS कोर नहीं है तो IMT जा सकते, करेक्ट? सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच शुड यू नो बेयर इन माइंड टू डिसाइड. व्हाट एल्स मैं, व्हाट आई मीन इज, डू वी गेट टू ऑप्ट फॉर एनी अदर रोल दो वी आर नॉट फ्रॉम कोर? बी स्कूल के अंदर जनरली ऐसा ही होता है, कि ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल तुम मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन करो तो मार्केटिंग में ही बैठोगे, ठीक है? या तुम फाइनेंस करो तो फाइनेंस वाले में बैठोगे, वो अलग बात है कि फाइनेंस वाले तुम्हें कॉल ही नहीं देंगे अगर तुम किसी और डोमेन से, बिकॉज फाइनेंस बहुत स्पेसिफिकली कॉल देता है
कंसल्टिंग बहुत ओपनली कॉल देता है, मार्केटिंग बहुत ओपनली कॉल देता है, सेल्स बहुत ओपनली कॉल देता है. तो यू कैन गेट इनटू एनी जॉब रोल एज लॉन्ग एज यू नो यू आर अप फॉर इट एंड यू हैव द डिजायर्ड यू नो स्पेसिफिकेशंस क्वालिफिकेशंस. वहां जाके थोड़ा सा पॉइंटर वॉइंटर अच्छा ले आना, कोशिश करना कि पॉइंटर्स थोड़े अच्छे हैं ना, बहुत ज्यादा मस्ती में मत चला लो कि भाई अब तो हो गया, अब तो चिल मारेंगे. तो पॉइंटर्स वगैरह थोड़े ले आना, इट रियली हेल्प्स. ओके सो मयूरी, दैट्स दैट्स यू नो इररेस्पेक्टिव, बाकी कॉलेजेस के अंदर भी सेम है, तो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, सो आई एम होपिंग दैट दिस हेल्प्स. थैंक यू सो मच. वी विल एज शेयर्ड वी विल डू अ फ्यू मोर सेशंस लाइक दिस. थोड़े और रिजल्ट्स आ जाएं फिर थोड़े और सेशंस करेंगे. आई एम होपिंग कि एजुकेशन लोन वाला एलिमेंट सबका सॉर्टेड है. ओके कृष्णा इज सेइंग कि सर एनएमआईएमएस बिजनेस एनालिटिक्स कैसा है? बहुत अच्छा है, रात को मेस में खाना बहुत अच्छा देता है. ठीक है, जस्ट किडिंग, मेस ही नहीं है वहां पे. ठीक है, तो बिजनेस एनालिटिक्स अगेन अच्छा कोर्स है, जैसे मैंने बोला कि इट्स अ गुड वन. अगर तेरा फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट है बीए के अंदर, जा सकता है. बीए एज अ कोर्स इज समथिंग व्हिच इज गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंस गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है, तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट्स अ गुड थॉट प्रोसेस. राइल सिंह, डज बी स्कूल ब्रांड मैटर इन लॉन्ग टर्म? ऑब्वियसली, अदरवाइज बाकी सब लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं कैट के पीछे? एंड अगर मैटर ही नहीं करेगा तो क्यों इतना मेहनत क्यों कर रहे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, धीरे धीरे उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम होता रहता है. आप जो करते जाते हो लाइफ में, वो चीज़ें उसको डाइल्यूट करती जाती हैं, इन अ गुड मैनर ऑल्सो इन अ बैड मैनर ऑल्सो. कि तुमने बी स्कूल, अच्छे बी स्कूल से निकल के एकदम रद्दी काम किया तो बर्बाद हो जाएगा, और तुमने एक ठीक ठाक बी स्कूल से निकल के अगर बहुत अच्छा काम किया तो देन यू एड वैल्यू टू दैट डिग्री. करेक्ट, सो इन द लॉन्गर रन ऑब्वियसली इट कीप्स गेटिंग डाइल्यूटेड आइदर इन अ गुड मैनर और इन अ बैड मैनर डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल डू यू वर्क. करेक्ट. राइल सिंह, आईएमटी और एनएमआईएमएस में से विच ब्रांड इज परसीव्ड हायर? इसने फिर से घुमा के भाई क्वेश्चन पूछा. मैंने बोल दिया भाई एनएमआईएमएस दोनों में से तुम जा सकते हो, पर कोर है. ठीक है, ओके. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स, दस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स हैव स्कोप फॉर इन द फ्यूचर? मन्ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिपेंड्स कि कौन से कॉलेज से कर रहे हो. ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यू नो ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत नीश कोर्स है तो चल जाएगा, ठीक है, और बहुत अच्छे जगह से है तो चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एनएमआईएमएस कराता है तुम्हारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का कोर्स, तो वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का कोर्स जो है वो बाकी जो कोर्सेस हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कंसिडर्ड अ लिटिल ऑन द लोअर साइड. फ्यूचर के स्टैंड पॉइंट से ठीक है, बट आई वुड इफ आई हैव बेटर ऑप्शंस आई वुड टेक दोज ऑप्शंस. करेक्ट, ऑल राइट. अक्षित बताओ. बेसिकली स्टूडेंट लोन का मैंने सुना था कि कुछ टैक्स बेनिफिट्स वगैरह भी होते हैं जब हाँ हम होते हैं. रीपे करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बता दो। सो अक्षित, बेसिकली जो तुम्हारे एजुकेशन लोन होता है, एजुकेशन लोन के अंदर जो जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, दैट इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल. ठीक है, सो बेसिकली उसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो भी सेक्शन 80E होता है, ठीक है, सेक्शन 80E में क्या होता है कि जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट पड़ रहा है लोन के ऊपर हर साल, मान लो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम एक सर्टेन अमाउंट पे कर रहे हो, ठीक है, तो सर्टेन अमाउंट, कुछ अमाउंट तुम्हारा इंटरेस्ट डिडक्शन हो रहा है, कुछ तुम्हारा प्रिंसिपल डिडक्शन हो रहा है, तो जो तुम्हारा इंटरेस्ट डिडक्शन वाला पार्ट है वो वाला पार्ट तुमको टैक्स बेनिफिट देता है अंडर द सेक्शन 80E. ठीक है, तो वो तुम अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, जनरली अगर फॉर एग्जाम्पल हम 30-35 हज़ार का नंबर लेके चले तो वो अपने को बहुत इजीली 1.5 लाख टाइप बेनिफिट दे देते हैं. 1.5 लाख का मतलब ये हुआ कि अगर 30% ब्रैकेट में पड़ रहा है तो तुम्हारा 45 हज़ार का टैक्स बेनिफिट बनता है इन 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 वैल्यू टर्म्स. ठीक है, 45 हज़ार साल भर का मतलब हुआ कि करीब करीब मान के चलो 4 हज़ार रुपये महीने का बचेगा. ठीक है, इससे ज्यादा और बताऊं क्या? ठीक नहीं ठीक है। है ना, कितना बचेगा वो भी बता दिया, और क्या बताऊं. तनिष, गो अहेड. सर अगर लेट्स से कोई सोच रहा है कि एक और साल ड्रॉप करना है तो फिर हाँ उसमें मेजर कॉन्स क्या होगा एक्सेप्ट द फैक्ट कि कैट के लिए और एक बार प्रिपेयर करना होगा एंड कैट खराब भी जा सकता है। ओके. मयंक इज सेइंग कि प्रिंसिपल नहीं होता है. नो, मयंक, 80E के अंदर इंटरेस्ट डिडक्टिबल होता है, जस्ट टू क्लैरिफाई. ठीक है, प्रिंसिपल और लोन दोनों होम लोन में डिडक्टेबल होता है. तो अगर होम लोन तुम्हारे पास है तो उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों डिडक्टेबल होगा, एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट डिडक्टेबल होगा. ओके, नाउ तनिष, कमिंग टू योर क्वेश्चन.
हाउ शुड यू डिसाइड वेदर यू शुड प्रिपेयर फॉर कैट और नॉट? सबसे पहला एलिमेंट ये है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग, अगेन वन थिंग शुड ऑल्सो ऑलवेज बेयर इन माइंड इज कि तुम्हें इस सीजन में बाकी सीजन से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि मैंने तो तैयारी कर ली है, करेक्ट, बट मैं फॉर एग्जाम्पल फिर से तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे बाकी सीजन से ज्यादा टाइम क्यों देना पड़ेगा? इसलिए ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे, जब आप एक बार में अच्छे से पढ़ते हो ना, कभी फॉर एग्जाम्पल तुमने ये देखा होगा कि आपने कोई क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व किया तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आपने उसके अंदर एरर कर दिया तो फिर उस एरर को ढूंढने में ज्यादा डिफिकल्टी होती है, तो लोग क्या करते हैं उसको ऐसे क्रॉस करके फिर से स्टार्ट करते हैं, करेक्ट? तो बेसिकली प्रिपेयरिंग अगेन इज लाइक फाइंडिंग दोज फॉल्ट्स, जो आपने एक बार तैयारी करी है उसमें क्या क्या गलतियां हो गई उनको ढूंढने जैसा होता है, और वो एक्चुअली बहुत क्रिटिकल काम होता है। देयरफॉर यू नो इट इज समथिंग वेयर यू सर्टनली नीड टू पुट मोर नंबर ऑफ आवर्स, यू सर्टनली नीड टू पुट मोर अटेंशन, करेक्ट? तो ये तो सबसे पहला। दूसरा, जब आप यू नो रिपीटर ईयर में होते हो तो एक एडिशनल प्रेशर होता है दिमाग पे, ठीक है, कि यार इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा? तो आई थिंक दैट इज अगेन समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड ईयर जो जिसको मैं सबसे बड़ा थर्ड पॉइंट जिसको मैं सबसे बड़ा कौन मानता हूँ इस टाइम, करेक्ट? तो बेसिकली तुम्हारे पास यू ऑलवेज हैव लिमिटेड टाइम टू डू थिंग्स, करेक्ट? इफ आई डेडिकेट वन ईयर नाउ आई विल नॉट हैव दिस वन ईयर लेटर, एंड यू नो नोइंग द इंडियन सोसाइटी यू आर बाउंड टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू नो एट अ सर्टेन एज, करेक्ट? तो वो तो आने ही वाले हैं। एक साल अगर अभी तेरे पास है वर्सेस एक साल तेरे पास आगे नहीं है, दैट डिटरमाइंस कि तुम लाइफ में क्या कर सकते हो, करेक्ट? तो वो सबसे मेजर कौन, जो टाइम का जो लॉस होता है एक साल, बिकॉज ये एक साल में तुम ऑनेस्टली स्पीकिंग तैयारी ही करते हो, करेक्ट? यू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम, उसके अंदर तुमने उस तैयारी के अलावा बहुत कुछ नहीं सीखा है, ठीक है? उस तैयारी के अलावा तुमने बहुत कुछ किया नहीं है, तो आई थिंक वो एक साल जो तुम्हारा चला जाता है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार वेस्ट हो गया। बहुत सारी चीजें आप तैयारी के दौरान सीखते हैं, करेक्ट, बट वो जो चीजें आप तैयारी के दौरान सीख रहे हैं वो तो आप ऑलरेडी भी सीखे हैं। आप यू नो फॉर एग्जाम्पल प्रेशर मैनेज करना, फॉर एग्जाम्पल यू नो डीआईएल करना, डेटा इंटरप्रिटेशन करना, लॉजिकल रीजनिंग करना, टू एन एक्सटेंट तुम ऑलरेडी सीख चुके हो, पर वही चीजें बार बार करना से टाइम वेस्ट हो जाता है, करेक्ट? तो टाइम वाला रीजन मुझे सबसे बड़ा कौन लगता है। बाकी इवेंचुअली इफ यू आस्क मी, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू हैव थॉट अबाउट इट, तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतना एफर्ट डालने के लिए तैयार हूँ और यू नो आई विल नॉट लूज पेशेंस अलॉन्ग द वे, तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? तनिष, यस सर, थैंक यू। ऑल राइट, ओके, बहुत ही बहुत बढ़िया। तो आई एम होपिंग दैट दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच यू नो एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन, ओके। मयूरी सर, डू यू हैव एनी बुक्स टू रीड ऑन व्हाट वी शुड डू टू ब्रॉडन द पर्सपेक्टिव एज एमबीए स्टूडेंट? कुछ मत करो, ठीक है? आई विल रेकमेंड अ फ्यू बुक्स, ठीक है, उसको देख लेना, अभी के लिए कुछ मत करो, ठीक है? ये ठीक है, अभी एंजॉय लाइफ, घर वालों के साथ बैठो, बातें बातें करो, ठीक है? उनको भी अचानक से लगेगा कि इसको क्या हो, पागल खाने ना भेज देना, कम बात करना, ये अचानक से बहुत ज्यादा करने लगोगे तो वो फिर अचानक से वो शॉक में आ जाएंगे कि क्या हो गया भाई, सब ठीक तो है। बट आई थिंक स्पेंड टाइम विद फैमिली, स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, यूज योर टाइम एज यू वॉन्ट टू डू इट, इट वॉज एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, ऐसा वाला समय मिलेगा नहीं फिर बात, ठीक है? आयुष, एनी पार्टिंग थॉट्स बिफोर वी लेट ऑल ऑफ देम गो? Yeah, I think guys, all the very best. MBA is going to be the best 2 years of your life, first of all. और secondly, अभी थोड़ा चिल कर लो यार, मतलब ये अभी like we discussed earlier कि ये टाइम तो आना नहीं वाला है, के बाद लाइफ इतना हेक्टिक हो जाएगा, इतना बिजी हो जाएगा कि तुम लोग ये समय मिस करोगे. और ऑब्वियसली तुम लोग MBA करने जा रहे हो, MBA करके नहीं जा रहे हो, सो दैट इज अ डिफरेंस दैट यू गाइस हैव टू कीप इन माइंड एंड हैव सम स्कोप फॉर यू नो अ लिटिल सरप्राइजेस. थोड़ा वहाँ का करिकुलम भी कैसा होगा, कितना ओवरवेलमिंग होगा, कभी सीनियर से बात करोगे तो पता चल जाएगा. बट अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स सी व्हेन वी मीट. Absolutely. So all the best guys. Take care. Bye bye. Good night. थैंक यू सो मच सर. All the best.